इलाहाबाद में एक ही परिवार के एक ही घर में पांच लोगों के शव मिलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सोमवार को बंद हुआ घर का दरवाजा जब देर शाम नहीं खुला तो उस पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर पति पत्नी और तीन बेटियों की डेड बॉडी मिली। मामला इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके के पीपल गांव का है। यहां मनोज कुशवाहा अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है। सोमवार सुबह को 11 बजे घर का दरवाजा बंद हुआ और जो देर रात तक नहीं खुला, साथ ही काफी तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था तो पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो पहले कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे कमरे में पहुंचते ही पुलिस को हैरान करने वाला मंजर दिखा। पंखे से मनोज का शव लटक रहा था जबकि जमीन पर छोटी बच्ची मृत थी। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो उसकी आंखें फटी रह गई। अलमारी में 8 साल की बड़ी बेटी प्रीति का शव रखा था। इसके बाद पुलिस को आगे की तलाशी में जो कुछ मिला वह हैरान करने वाला था। लोहे की पुरानी अटैची में 3 साल की छोटी बेटी श्रेया की लाश छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो फ्रिज में पत्नी श्वेता का शव मिला। इस तरह पुलिस को घर के अंदर से एक एक कर सभी 5 सदस्यों के शव मिले। घर के अंदर से सभी 5 सदस्यों के शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका है कि सभी को गला दबाकर मारा गया।